हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए जो एडमिशन है 2023 में वो ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसके जो आवेदन है वो 10 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। जिस भी छात्र को बीएड में एडमिशन लेना हो तो वो 10 फरवरी से इसमें आवेदन कर सकता है। तो इसकी जो अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो इसमें जो इसकी अंतिम तिथि है वो 3 मार्च 2023 है। और दोस्तों, इसमें परीक्षा की तिथि भी पहले ही घोषित कर चुकी हैं। इसका जो एग्जाम होगा वो 24 अप्रैल को होगा, यानी कि 24 अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा। और रिजल्ट की अगर इसमें बात करें तो रिजल्ट भी इसका 25 से 30 मई के बीच में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें फीस की अगर बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें 1400 रुपये फीस रखी गई है, और जो एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें 700 रुपये फीस रखी गई है। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है बीएड, इस कोर्स का नाम होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन इसका नाम होगा। तो कोर्स की जो अवधि होगी वो होगी 2 वर्ष, यानी कि 2 साल का ये बीएड का जो कोर्स है वो 2 साल का होने वाला है। इसमें योग्यता की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यानी कि कौन बीएड में एडमिशन ले सकता है, जिसने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है वो, जिसने मास्टर डिग्री कर रखी है वो भी इसमें बीएड कर सकते हैं, मगर उनको 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 50% अंकों के साथ उन्हें पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री में कौन कौन से डिग्री आने वाली है, जैसे कि आपका बीए हो गया और उसके बाद बीएससी है, इसमें बीकॉम हो गया, ये जो है इस तरह की जो डिग्री हैं ये डिग्री में आ जाएंगी, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह। और जो मास्टर डिग्री में हो जाएगा आपका एमए हो गया और एमकॉम हो गया और एमएससी हो गया, तो ये जो है ये मास्टर डिग्री में आ जाएगी। एमटेक भी मास्टर डिग्री में आएगी और बीटेक जो है वो बैचलर डिग्री में आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर जिसके पास भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ हो तो वो बीएड कर सकता है। जो शैक्षिक जो सत्र होगा ये 2023 से 2025 तक चलेगा। तो दोस्तों, ये था बीएड के एडमिशन का, जो कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आसानी से इसमें प्रवेश पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके परीक्षा प्रारूप की बात की जाए तो यानी कि प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक ही दिन में दोनों एग्जाम करा लिए जाते हैं। तो जो पहला जो एग्जाम है वो उसमें सभी के लिए सेक्शन 2 में बटा हुआ है, ए और बी में। तो ए वाले में आपसे सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो 50 प्रश्न है 2 नंबर का एक होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। दूसरा है भाषा से संबंधित, यानी कि आपको इसमें से हिंदी भाषा या इंग्लिश में से एक सेलेक्ट करनी है, जिसे भी आप करना चाहो, तो इन दोनों में से आपको एक करना होगा, वो भी 50 नंबर की आएगी, 50 की। और ये भी एक नंबर, मतलब कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 100 नंबर इसके भी हो जाएंगे, 100 और 100, यानी कि 200 नंबर का ये आपका ये एक पेपर हो जाएगा फर्स्ट वाला। और इसमें दूसरे पेपर की अगर बात की जाए तो इसमें आपका ये भी 2 सेक्शन में होगा, ए और बी में, यानी कि पहला जो सब्जेक्ट है आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण से लिया जाएगा, इससे भी आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये भी 100 नंबर के होंगे। और दूसरा जो सेक्शन होगा इसमें वे वाला, इसमें विषय योग्यता होगा आपका, यानी कि आपने जो बीए में पढ़ाई की है, यानी कि आपने आर्ट साइड से, यानी कि आर्ट में जैसे कि हिंदी हो गया आपके पास, और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले तो ये कला वाला पार्ट करेंगे, जिन बच्चों के पास जिन्होंने साइंस से पढ़ाई की है वो साइंस वाला करेंगे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स वाणिज्य से की है तो वो इसको करेंगे, जिन्होंने एग्रीकल्चर या कृषि से की है तो वो इस वाले भाग को करेंगे। इसमें भी आपको 50 प्रश्न करने होंगे, ये भी आपके 100 नंबर के होंगे, 100 और 100, ये वाला आपका 200 अंक हो जाएंगे, यानी कि दोनों पेपर अगर मिलाकर बात करें तो 400 नंबर का आपका पेपर होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि नकारात्मक अंक भी आपको दिए जाते हैं, इसमें 1/3 की नकारात्मक अंक आपको मिलेंगे। और जो प्रश्न पत्र आपके जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
और जिस भी छात्र को इसमें एडमिशन लेना हो वो इसमें 10 फरवरी से और 3 मार्च के बीच में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो परीक्षा तिथि है वो भी घोषित कर रखा है, 24 अप्रैल को इसका पेपर हो जाएगा। रिजल्ट भी इसमें दे रखा है, यानी कि 25 से 30 मई के बीच में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिसको भी अगर बीएड करना हो या चाहता हो करना, इसमें आसानी से आज जाकर आवेदन कर सकते हो।